नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फनकार बाइक सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंपेयर करेंगे दो गाड़ियों को, टीवीएस रेडियन और हीरो स्प्लेंडर को। पुष्पराज जोशी जो भाई हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था टीवीएस रेडियन के रिव्यू वाली वीडियो पे कि हीरो स्प्लेंडर और टीवीएस रेडियन का कंपेरिजन वीडियो बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दोनों बाइक्स को, पावर में कितना अंतर है, ब्रेक में कितना अंतर है, प्राइस में कितना अंतर है और फीचर्स वगैरह क्या है इनके अंदर, सारी की सारी चीज़ें हम कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों की। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों टीवीएस रेडियन और अगर स्प्लेंडर की बात करें ना, तो स्प्लेंडर एक ब्रांड है। स्प्लेंडर आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि बहुत साल पहले से भारत में एक बड़ा नाम है जो चलता आ रहा है। स्प्लेंडर को नाम से लोग खरीदते हैं। अगर कोई भी इंसान बोलता है ना कि एक गाड़ी लेनी है, बजट है 60,000 के करीब और माइलेज अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो हर कोई ये बोलेगा स्प्लेंडर, स्प्लेंडर ले लो, बढ़िया है। क्योंकि स्प्लेंडर काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, एक कम्यूटर सेगमेंट में भारत के कोने कोने में आपको स्प्लेंडर मिल जाएगी। और दूसरी तरफ रेडियन है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और पावर फीचर्स तो अच्छे दिए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो भरोसा है वो टीवीएस को इकट्ठा करना पड़ेगा रेडियन से। लेकिन हीरो स्प्लेंडर ने ग्राहकों का वो भरोसा, वो प्यार इकट्ठा कर लिया है। अगर पावर की बात करें दोनों की, तो डिस्प्लेसमेंट स्प्लेंडर का 97.3 का है और रेडियन का 109.7 का डिस्प्लेसमेंट है। तो करीब 10 cc का फर्क है डिस्प्लेसमेंट में, ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो 8.2 bhp की पावर 7000 के rpm पर रेडियन देती है और 8.2 bhp की पावर स्प्लेंडर देती है 8000 के rpm पर। यहाँ भी ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर मैक्सिमम टॉर्क की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क 8.7 है 5000 के rpm पर रेडियन का और 8.5 है 5000 के rpm पर स्प्लेंडर का। तो rpm में और मैक्सिमम टॉर्क में, मैक्सिमम पावर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क है जो डिजिटली लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब बाइक चलती है तो नहीं इतना फर्क पड़ता, चलाने वाले को, राइडर को इतना फील नहीं होता। तो ज़्यादा फर्क नहीं है पावर में। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की, कि दोनों गाड़ियों के अंदर ब्रेकिंग में कितना डिफरेंस है। तो ब्रेक्स दोनों में आपको ड्रम ही मिलेंगी, आगे भी पीछे भी। अगर आगे की बात करें 130 mm की ड्रम स्प्लेंडर में है, 130 mm की ड्रम रेडियन में है। अगर पीछे की रियर वाली ब्रेक की बात करें तो 110 mm की रियर है स्प्लेंडर में और 110 mm की रेडियन में है। टायर्स में अंतर है दोस्तों, स्प्लेंडर के टायर्स ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब वाले टायर है, लेकिन रेडियन के टायर ट्यूबलेस है। और व्हील्स में भी बहुत अंतर है। अलॉय व्हील्स आपको रेडियन मिलेंगे, रेडियन में सिर्फ और सिर्फ अलॉय व्हील में आपको अवेलेबल है रेडियन। लेकिन स्प्लेंडर आप अलॉय के साथ स्पोक भी ले सकते हो, स्पोक भी व्हील वहाँ पे अवेलेबल है और अलॉय व्हील भी अवेलेबल है, आप जो चाहे वो ले सकते हो। लेकिन हीरो ने आपके लिए एज एन ऑप्शन छोड़ा है। तो ऑप्शन की बात करें स्प्लेंडर के पास इसमें ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन ब्रेकिंग के मामले में ज़्यादा फर्क नहीं है, बराबर ये दोनों की ब्रेकिंग। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा फ्यूल इकोनॉमी और माइलेज के बारे में। फ्यूल टैंक जो है रेडियन का 10 लीटर का है और स्प्लेंडर का 11 लीटर का है। स्प्लेंडर का 1 लीटर ज़्यादा है, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो 1.5 लीटर का रिजर्व रेडियन का है और स्प्लेंडर का रिजर्व है 1 लीटर का। स्प्लेंडर का रिजर्व थोड़ा कम है, लेकिन टैंक ठीक ठाक है। टैंक जैसे कि आप देखोगे तो टैंक बराबर ही लगते हैं, लेकिन सिर्फ 1 लीटर का फर्क है। अब बात आती है माइलेज की, बहुत बड़ा फैक्टर है कंप्यूटर गाड़ी के लिए माइलेज। रेडियन का माइलेज 69.3 kmpl का है और स्प्लेंडर का 81 का है। ये क्लेम किया गया माइलेज है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, थोड़ा वो डिफरेंस रहता है, लेकिन ठीक ठाक ही है माइलेज यार। स्प्लेंडर थोड़ी कम डिस्प्लेसमेंट वाली गाड़ी है तो उसका इसलिए थोड़ा ज़्यादा है, रेडियन थोड़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली गाड़ी है तो उसका माइलेज इसलिए थोड़ा कम है। अगर इसके बाद हम टॉप स्पीड की बात करें तो स्प्लेंडर की टॉप स्पीड 81 के आसपास है, 81-82 इतने के आसपास जो है क्लेम करी हुई है। और रेडियन की टॉप स्पीड मैंने ढूंढा, मिली तो नहीं, लेकिन करीब करीब आराम से 90+90 89 इतनी तो होगी, 92 भी हो सकती है। रेडियन की टॉप स्पीड इतनी रहने वाली है, तो जाहिर सी बात ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है गाड़ी का, तो टॉप स्पीड भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ब्रेकिंग का यही मामला था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फीचर्स की बात कर लेते हैं यार। फीचर्स में एक तो मीटर ले सकते हैं, हेडलाइट्स ले सकते हैं। तो अगर पहले मीटर की बात करें, एनालॉग ही रेडियन में है और एनालॉग ही स्प्लेंडर में है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, लेकिन जो ट्रिप मीटर है वो आपको मिलेगा रेडियन में, स्प्लेंडर में ट्रिप मीटर नहीं मिलेगा। ओडोमीटर है, टैकोमीटर है, फ्यूल गेज है, फ्यूल गेज दोनों मिलेगा, लेकिन टीवीएस रेडियन में डिजिटल फ्यूल गेज मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एनालॉग मिलेगा। लेकिन जो मुझे ज़्यादा डिफरेंस लगा वो है हेडलाइट में। हेडलाइट जो है रेडियन की 55 वॉट की है और स्प्लेंडर की 35 वॉट की है।
तो काफी ज्यादा फर्क है दोनों के बीच। आप देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क है, 35 और 55 में 20 वॉट का फर्क होता है। इसमें 15 और ऐड कर दी जाए तो 2 स्प्लेंडर की लाइट बन जाएगी, तो इतना ही कुछ फर्क है। और अगर और फीचर्स की हम बात करें तो मोबाइल चार्जिंग है जो रेडियन के अंदर है और स्प्लेंडर के अंदर नहीं है, और रेडियन के ग्राफिक्स थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा है, स्प्लेंडर के अंदर नहीं है। स्प्लेंडर तो अपने उसी क्लासिक लुक में आती है जैसे हमेशा से आती रही है, थोड़े बहुत ग्राफिक्स स्प्लेंडर में है, लेकिन रेडियन में थोड़े ज्यादा ग्राफिक्स और पैनल दिए हुए हैं, इंजन गार्ड वगैरह नहीं है दोनों में। और अब लुक्स की बात करते हैं, लुक्स में दोनों गाड़ियों में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है, बस स्प्लेंडर का अगर आप सामने से मत्था देखोगे तो वो थोड़ा स्ट्रेट है, रेडियन का थोड़ा गोल टाइप है, इतना भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। और साइड से पीछे से कहीं से भी देख लो गाड़ी सेम है दोनों के दोनों। मुझे लगता है कि रेडियन कॉपी है स्प्लेंडर की, बस थोड़ा सा अलग है ताकि इतनी भी कॉपी ना लगे, तो वैसा ही कुछ है, दोनों गाड़ी सेम टू सेम दिखती हैं। स्पेस में थोड़ा सा रेडियन का ज्यादा है लेकिन ओवरऑल एक जैसा लुक है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, यार प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ठीक है दोनों के बीच कंपैरिजन हुआ, इतने इतने फैक्टर्स में रेडियन आ गई थी, इतने इतने फैक्टर्स में स्प्लेंडर आ गई थी, लेकिन प्राइस के अंदर मैं आपको बताऊँ प्राइस में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, एक जैसे प्राइस है। रेडियन 48,000 की एक शोरूम है और स्प्लेंडर 47 से स्टार्ट है। स्टार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्प्लेंडर के अंदर आपको वर्जन बहुत मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप स्पोक व्हील के साथ किक स्टार्ट ले सकते हो, आप अलॉय व्हील के साथ किक स्टार्ट ले सकते हो, आप डिजिटल स्टार्ट के साथ ले सकते हो अलॉय व्हील्स, और आप i3s में भी ले सकते हो, इतने सारे ऑप्शन में हैं। तो भाई एक एक करके मैं आपको थोड़ा रेट बता देता हूँ इनके। अगर स्प्लेंडर का किक वर्जन लेंगे आप स्कोप के साथ तो 48,000 का पड़ेगा, और एक्सशोरूम की बता रहा हूँ भाई, ऑन रोड तो और खैर बढ़ जाता है इंश्योरेंस वगैरह लग के, लेकिन अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं 48,000 में अगर स्कोप और किक मिल रहा है उसके बाद जाते हैं स्पोक स्पोक के साथ में जाते हैं, उसके बाद हम अलॉय व्हील्स लेते हैं किक के साथ, वो पड़ेगा आपको 49,000 का। अगर फिर और अपग्रेड करते हैं हम डिजिटल स्टार्ट के साथ यानी कि सेल्फ के साथ लेते हैं अलॉय व्हील्स को, तो पड़ेगा 51,000 का, 51,000 कुछ के लमसम पड़ेगा, तो ठीक ठाक, तो मुझे करेक्टली इतना याद नहीं है लेकिन नीचे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। लेकिन जो फाइनली i3s वाला है वो आपको 52,400 कुछ का पड़ेगा एक्स शोरूम। इसके बाद जो इनका इंश्योरेंस है, तरह तरह की चीज़ें लगती हैं और आपको ऑन रोड प्राइस मिलता है। तो प्राइस भी मैंने आपको बता दिया, लुक्स वगैरह सब हमने देख ही लिए हैं, पावर ब्रेकिंग और फीचर्स सबकी हमने बात करी ली है। तो यार ओवरऑल अगर मेरी मानो, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं दोनों बाइक में से अच्छी कौन सी है, तो मैं स्प्लेंडर के साथ ही जाऊंगा। स्प्लेंडर के साथ इसलिए जाऊंगा क्योंकि स्प्लेंडर पे भरोसा है, वो भरोसा है जो स्प्लेंडर ने बनाया है सालों से इंडिया में, गाड़ी कहीं भी कम नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप थोड़े ज्यादा फीचर्स वगैरह चाहते हो, टीवीएस का आपको भरोसा है उतना, तो आप रेडियन ले सकते हो, रेडियन अच्छी गाड़ी है, लेकिन पर्सनली मैं स्प्लेंडर को चूज करूंगा। आपको क्या लगा, क्या है आपकी राय, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आप भी किसी बाइक का रिव्यू चाहते हैं, किसी बाइक को किसी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, किसी बाइक के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो फनकार बाइक सपोर्ट हमेशा आपका वेलकम करता है, हमेशा आपके लिए है। आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ जाइए, कमेंट लिखिए, मुझे बताइए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ और आपके कमेंट का जवाब भी जरूर दूंगा। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करूंगा। लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करते हो ना तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें भी वीडियो बनाने के लिए अभी। तो यार लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वीडियोस और डालने वाली हैं ऐसी बाइक्स की, कंपैरिजन रिव्यूज और भी तरह तरह की चीजें भी मैं लाने वाला हूँ आपके लिए, तो वो धीरे धीरे करके आपको पता लगेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लेना। अब नोटिफिकेशन की बेल इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप वो नहीं दबाओगे तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नहीं आएगी, तो सब्सक्राइब करते टाइम नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा लेना। तो दोस्तों आज का रिव्यू टीवीएस रेडियन वर्सेस हीरो स्प्लेंडर यही खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज फनकार बाइक सपोर्ट, जय हिंद।